बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे जो कि है नेवल एक्सरसाइज को लेकर। ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया और तीन यूरोपियन नेशन कौन कौन से हैं? एक तो है इटली, एक है स्पेन और एक है आपका फ्रांस। ठीक है, एक इटली हो गया और एक आपका स्पेन हो गया। ठीक है, एक आपका स्पेन हो गया। इटली, फ्रांस और स्पेन, ये तीन कंट्री है दोस्तों जो कि इंडिया के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसके अंदर? एक नेवल एक्सरसाइज के अंदर जिसका नाम है EU NAVFOR, ईयू नेव फॉर। इस तरीके से आप याद कर लो क्योंकि ईयू के तीन कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। इटली हो गया आपका साथ में, ये पेपर में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से तीन कंट्री है यूरोपियन यूनियन के। तो इटली, फ्रांस और स्पेन, ये तीन कंट्री है जो कि इसमें इंक्लूडेड है और आपसे पेपर के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अंदर ये कहां पे करवाया जा रहा है? इसको गल्फ ऑफ अडीन वाला जो एरिया है ना, वहां पर इस एक्सरसाइज को जो है वो करवाया जा रहा है। समझ गए मेरी बात यहां पे? और हमारी तरफ से जो INS ट्राइकेंड है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट है जो कि करने वाला है। और ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज पहले हो चुकी है, ये फर्स्ट टाइम है मेड इन, यानी कि फर्स्ट टाइम है जो कि एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कहां पे करवाई जा रही है, यहां पे करवाई जा रही है। ये वाला जो एरिया है ना, यहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जा रहा है। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको लंदन जाना है तो आपके दो रूट्स होते हैं नेवल के, नेवी के द्वारा दो रूट्स हैं। एक तो ये वाला रूट है जो कि आपके 6000 नॉटिकल माइल्स के आसपास, 8000 नॉटिकल माइल्स के आसपास है जो कि पड़ता है। पहले के टाइम पे जो रूट हुआ करता था वो ये वाला था जो कि आपको मालूम है वास्को भी इसी टाइम से इसी वाले रूट से आया था। ये बहुत ही लंबा पड़ता है, 10,000-11,000 नॉटिकल माइल के आसपास है जो कि पड़ता है। ठीक है गाइस, ओके समझ गए मेरी बात। अब तो ये वाला रूट तो बहुत पहले से था, वास्को वाले टाइम से था, पोर्चुगीज ने निकाला था इंडिया आने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ये वाली रोड जो है ना, ये वाली रोड ऑटोमन एम्पायर के द्वारा ब्लॉक कर दी गई थी। तो उन्होंने शिप को डिजाइन कर ही लिया था तो उन्होंने इंडिया आने के लिए, क्योंकि इंडिया जो है देखो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, शुरुआत से ही ईस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर फूड को लेकर डिपेंडेंट है, आज भी डिपेंडेंट है, पहले भी डिपेंडेंट था, इसीलिए इंडिया का पता करना बहुत जरूरी था। तो वास्को जब इंडिया आया, ठीक है, तो उसने यहां से जब मसाले वापस जाके बेचे तो 40 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया, तो उसको लगा इंडिया तो बहुत प्रॉफिटेबल है। फिर आके उन्होंने गोवा को कैप्चर किया और यहां पे दोस्तों अपनी कंपनी है जो कि एस्टैब्लिश कर ली। समझिए मेरी बात, इस तरीके से हुआ। अब यहां पे ये एक्सरसाइज हो रही है कुल मिला के इस वाले एरिया के अंदर। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं गल्फ ऑफ अडीन वाला एरिया थोड़ा सा और ब्रॉड करके। हाँ ये देखिए, ठीक है, उम्मीद कर, ये गल्फ ऑफ अडीन वाला एरिया है। यहां पे आपका स्ट्रेट है बब अल मंदेब, ये आपका पूरा का पूरा रेड सी है। और इसके आगे जाओगे तो दो पार्ट में डिवीजन होगा, एक तो गल्फ ऑफ अकाबा होगा और एक गल्फ ऑफ स्विस होगा। दो गल्फ बनते हैं यहां पे, दिख रहे हैं आपको, और इसी के आगे जाके आपका स्विस कैनाल आता है और आगे जाके मेडिटेरियन सी में मिल जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वाला पूरा एरिया आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे इसका नाम रेड सी क्यों रखा गया है? क्योंकि यहां पे बहुत सारे ऐसे कोरल्स थे, ऐसे बैक्टीरियाज थे जिससे इसका कलर रेड नजर आता था, इसकी वजह से इसका रेड सी रखा गया। और भी कई लोगों के अलग अलग हिस्टोरियंस के कारण है, हिस्टोरियंस के अपने अपने रीजन है जिससे इसको रेड सी बोला गया। ठीक है गाइस, यहां पे देखिए सीजनल ब्लूम था एक एल्गी का, बैक्टीरिया नहीं था, एक रेड कलर्ड एल्गी था, उसकी वजह से इसको वाटर सरफेस पे दिखता था, तो इसलिए लोगों ने इसको रेड सी नाम दिया। कई लोगों ने इसको अलग भी तरीका बताया है ना, कि रेड का मतलब साउथ होता है, ब्लैक सी का मतलब नॉर्थ होता है, तो इस वजह से रखा गया। कलर के बिहाफ के ऊपर नॉर्थ और साउथ को डिस्क्राइब किया जाता था। अलग अलग कारण है जो कि रेड सी के दिए गए हैं पहले के जमाने में। अब यहां पे दोस्तों कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि आपने यहां पे देखा होगा जिबोती भी है ना, यहां पे सऊदी वाला एरिया भी आता है, ये देखिए जेदा दिख रहा होगा आपको। तो दो ऐसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बोल सकते हैं आप इनको, जो कि जेदा और जिबोती के नाम पर किए हुए हैं, उनके नाम पर भी पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो बात करेंगे जिबोती कोड ऑफ कंडक्ट। ये जिबोती कोड ऑफ कंडक्ट क्यों लगाया गया? क्योंकि यहां पे दोस्तों पायरेसी बहुत हुआ करती थी। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, यहां पे दोस्तों सोमालिया के बहुत सारे पायरेट्स है जो कि देखने को मिलते हैं। एक्चुअली के अंदर सोमालिया की हालत बहुत ही खराब है, आपको मालूम है, कई सारे यहां पे ऐसे शिप्स और ट्रेड रूट तो है, यहां पे सी रूट तो बहुत जबरदस्त है। ओके, ग्लोबल 20-30% ट्रेड, अभी आपको मालूम है स्विस कैनाल कुछ दिन के लिए बंद हो गया था,
है ना, जापान का शिप टेढ़ा हो गया था उसकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान है जो कि हो गया था ट्रेड को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है ट्रेड का। तो यहाँ से बहुत सारे सामान जाते आते हैं, तो यहाँ पे जो ये पायरेट्स है ना, ये इनको लूटमराटी है जो कि मचाते हैं। इसीलिए दोस्तों कई सारे दुनिया के देशों ने आपस में मिलकर इसको रोकने के लिए बहुत सारे काम किए, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, समझ गए। तो इसलिए जिबोती का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जिबोती सोमालिया के बिल्कुल बाजू में पड़ता है और जिबोती के ऊपर सारे बेस, सारे आर्मीज के, दुनिया के कई सारे देशों के, फ्रांस हो, यूके हो, अमेरिका हो, चाइना हो, सबके बेस बना रखे हैं। वहीं से बेचारे को थोड़ा सा रेंट मिलता है और वहीं से जिबोती का काम चलता है। तो यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट करवाया गया किसको लेकर, पायरेसी को, ठीक है, और आर्म्ड रॉबरी को लेकर जो कि शिप के खिलाफ होती है, ठीक है। 2009 के अंदर है दोस्तों जो कि इसको किया गया, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा उसका एस्टैब्लिशमेंट है जो कि किया गया था। यहाँ पे जितने भी सिग्नेटरीज थे ना वो सब आपस में मिलकर क्या कर रहे थे, ओके, जो पायरेट्स है, जो आम रॉबरी है उसको रोकने का काम कर रहे थे। इसी प्रकार से यहां से बहुत सारे ड्रग्स हो गए, हथियार हो गए, ये भी स्मगल होते हैं। इसलिए जेदा नाम का एक एग्रीमेंट भी किया गया 2017 के अंदर, ताकि कोई भी गलत ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, इलीगल वेपन्स हो गया, फिशिंग हो गया, ये सारे काम यहाँ पे नहीं हो या फिर यहाँ पे रोके जाए, इसीलिए ये कंडक्ट यहाँ पे कराया गया, समझ गए। अब आप देखोगे दोस्तों पायरेट्स वाली कंडीशन जो कि सोमालिया के सी के आसपास देखने को मिलती है, ये शुरुआत कब हुई थी, 2000 के बाद शुरुआत हुई। 2000 में क्या हुआ, सोमालिया में सिविल वॉर हो गई थी। जब सिविल वॉर होती है तो बहुत लोगों की जान जाती है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल डिवास्टेशन होता है, लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, रिफ्यूजी बन जाते हैं और दूसरे देशों में भाग जाते हैं, ऐसी कंडीशन होने लगती है, समझ गए। तो इंटरनेशनल शिपिंग को बहुत बड़ा थ्रेट है जो कि वो हो गया था, कई सारे इलीगल फिशिंग लोग करने लग गए, डंपिंग करने लग गए कोस्ट के ऊपर, जिससे जो फिश का स्टॉक है वो नुकसान होने लग गया उसका, है ना। कई सारे फिशरमैन साथ में मिलकर जो है वेपन्स, हाईजैकिंग, इनको रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब कुछ लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर हम एक शिप को पकड़ते हैं लोकल लेवल पे और जब उसके लिए हम लोग पैसा मांगते हैं, तो कई लोग पैसा देते हैं और अपने शिप को छुड़ा के चले जाते हैं, तो ये उनको एक बहुत बड़ा बिजनेस लगने लगा। इसी तरीके से पहले उन्होंने डोमेस्टिक काम करना चालू किया, फिर बड़े बड़े देशों की जो है शिप उनको रोकना चालू कर दिया। उसके बाद दोस्तों दुनिया में क्या हुआ, ओके, दुनिया ने एक टास्क फोर्स बनाई 150 नाम से, ओके, जिसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल एरिया जो है वो डिफाइन किया गया, जिसमें इंडियन नेवी, रशियन नेवी, ये सब पार्टिसिपेट है जो कि करते हैं। उसके बाद 2010 के बाद इंसिडेंट जो है वो काम होने लगे। हमारे इंडियन नेवी ने दोस्तों इसमें बहुत काम किया है, बहुत सारे पायरेट्स को जो है वो जो है वहां पे उड़ाया है और बहुत सारे पायरेट्स को पकड़ा भी है, ठीक है। कुछ इस तरीके के होते हैं, हथियार लेके एकदम से कूद पड़ते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, हमारे इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, एक बार वीडियो को शेयर कर देना ताकि और बच्चे ज्वाइन कर सके। चलिए अब देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि चाइना जो है वो इतना इंट्रूजन कर रहा है, चाइना हर देशों के अंदर अपने पैसे दे रहा है, वहां पे पोर्ट्स बना रहा है, वहां पे, ठीक है, अपने बेस बना रहा है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भी पिछले 20-30 सालों से हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। हमने भी हमारे इंडियन ओशन के अंदर कई सारे कंट्रीज के साथ में बहुत सारे एग्रीमेंट किए हुए हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे कि श्रीलंका के अंदर पेट्रोल बोट है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मालदीव्स के अंदर हमने पेट्रोल प्लेन, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग अवेलेबल करवाई है, ओके, और एक और छोटा सा आइलैंड यहाँ पे डियागो गार्सिया नाम है इसका, वहां पे यूके के अंडर में आता है वो, यूके यूएस के अंडर में, तो वहां पे इंडियन नेवी अपना बेस के तौर पे काम में लेती है। उसी प्रकार से अंडमान निकोबार में हमने मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं उसका, सिंगापुर, मालदीव, ये देखिए जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इनके साथ में हम लोग बहुत सारे डिफेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, है ना, बहुत सारे ज्वाइंट पेट्रोल नेवी ट्रेनिंग जो है यहाँ पे हम लोग इनके साथ में करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिक्योरिटी कॉपरेशन हमने किए हुए, क्वाड कंट्रीज हमने बना लिया है। ये वाले जो आसपास के कंट्रीज है, जो हमारे इंडियन ओशन के कंट्रीज है, यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग काफी डिफेंस के इक्विपमेंट आजकल बेचने लगे हैं, इनके साथ में भी हम लोग नेवल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग ये सब हम लोग कर रहे हैं। तो कॉपरेशन की बात करें तो हम लोगों ने इनको सारे देशों के साथ में कुछ ना कुछ काम है जो कि हम लोग मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे ओमान है, तो ओमान का जो पोर्ट है वहां पे इंडियन नेवी को परमिशन मिली हुई है बेस के तौर पे काम करना, सेशेल्स में मिली हुई है, मॉरिशस में मिली हुई है, मदागास्कर के अंदर भी हम लोग काम में ले रहे हैं उनका पोर्ट, है ना। तो छोटे छोटे कंट्रीज के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 10 दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारे लिए जो